गुड मॉर्निंग क्लास। सो लास्ट क्लास हमने नेचुरल इंडिकेटर्स पढ़ लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर। सिंथेटिक का मतलब ही क्या होता है, आप ध्यान से समझ लीजिए। सिंथेटिक मींस मैन मेड, यानी कि जो कि कंपनी फैक्ट्री वगैरह बनाती है ना, उनको हम बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। वो दो टाइप के आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से, फिनोल्फथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। क्या पढ़ना है, फिनोल्फथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। चलिए आगे देखते हैं क्या है। मेनी लेबोरेटरी मेड कंपाउंड्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर आइडेंटिफाइंग एसिड्स एंड बेस। बहुत सारे लैब में, कंपनी या फैक्ट्री में बनाए गए इंडिकेटर्स का भी यूज किया जा सकता है। क्या करने के लिए, ये चेक करने के लिए जो केमिकल आपके पास है वो एसिड है या बेस है। ऐसे इंडिकेटर्स को हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं। दीज मे बी कॉल्ड सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर्स। इनको हम सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर्स भी कह सकते हैं या सिंपली हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स कह सकते हैं। टू मोस्ट कॉमनली यूज सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर, आपको जो नोट करना है ये आपकी हेडिंग रहेगी, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से नोट करना है, यहाँ से ये पूरा टेबल। अब दो ऐसे सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि हमेशा यूज होते रहते हैं। पहला फिनोल्फथलीन, क्या नाम है, फिनोल्फथलीन, जो कि किस कलर में होता है, कलरलेस होता है, सो कोई कलर ही नहीं होता है। बात समझ में आ रही है, जब आप इसको एसिड में मिक्स करेंगे तो भी कोई कलर नहीं आएगा। यानी कि मान लीजिए मेरे पास लेमन है, लेमन का जूस, अगर लेमन के जूस में हम फिनोल्फथलीन डालें तो कोई कलर में चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल फिर से वैसे कलरलेस रहेगा। तो हम कह देंगे कि इसमें जो केमिकल है वो क्या है, एसिड है। क्लियर है। अगर वो पिंक कलर का हो जाता तो वो क्या होता, फिर बेस। यानी कि फिनोल्फथलीन हम कैसे पहचानते हैं, इफ देयर इज नो चेंज इन कलर देन वी विल बी सेइंग दैट द केमिकल इज एसिड। एंड इफ यू आर गोइंग टू गेट पिंक कलर, अगर आपको पिंक कलर मिलता है देन दैट केमिकल इज अ बेस। समझ में आ रहा है। चलिए सेकेंड पॉइंट देखिए इसका, मिथाइल ऑरेंज। नाम से ही पता चल रहा है ये किस कलर में मिलता है, ऑरेंज कलर में। लेकिन जब आप इसको केमिकल्स में ऐड करेंगे तो ये दो कलर में देता है, कभी रेड आएगा कभी येल्लो आएगा। अगर रेड आ गया तो इसका मतलब जो केमिकल वो क्या है, एसिड। अगर येल्लो आ गया तो वो केमिकल क्या है, फिर बेस। बात समझ में आ रही है। हाँ एक बार फिर से देखिए, सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन होते हैं, दोज इंडिकेटर्स विच आर मैन मेड और मेड बाय द कंपनीज और फैक्ट्रीज टू चेक द गिवन केमिकल इज एसिड और बेस, दे आर नोन एज सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर्स और सिंपली सिंथेटिक इंडिकेटर्स। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हमें दो के बारे में पढ़ना है जो कि सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, कौन कौन से, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथलीन। फिनोल्फथलीन कैसा होता है कलर में, कलरलेस। जब आप एसिड में मिक्स करेंगे तो भी कोई कलर चेंज नहीं आएगा, लेकिन जब आप बेस में मिक्स करते हैं तब वो कौन सा कलर मिल जाता है, पिंक कलर मिलता है। तो आप ऐसा आइडेंटिफाई करेंगे, जो मिथाइल ऑरेंज है वो ऑरेंज कलर का होता है, जब आप इसको एसिड में मिक्स करते हैं तो आपको रेड कलर देता है, और जब बेस में मिक्स करते हैं तो येल्लो कलर देता है। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब एक्टिविटी है, आप खुद से पढ़ लेंगे। हाँ अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये हमारे काम का है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेस। अब आप नोट हेडिंग बता लेंगे अपना, डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेस। एक तरफ एसिड का कॉलम होगा, दूसरी तरफ बेस का। बताइए एसिड का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा, सो एसिड्स आर सावर इन टेस्ट। बेस का टेस्ट कैसा होता है, कड़वा, सो बेस आर बिटर इन टेस्ट। समझ में आ गया। दूसरा, एसिड गिव्स कोरोसिव टच, यानी कि अगर आप एसिड के कॉन्टैक्ट में हैं या आपके कोई बॉडी पार्ट या कोई भी चीज अगर एसिड के कॉन्टैक्ट में है तो वो सामान धीरे धीरे डैमेज होता रहेगा। हाँ लेकिन अगर आप बेस को टच करते हैं तो आपको बहुत ही मुलायम सा, जैसे साबुन वगैरह आप टच करते हैं तो मुलायम सा फील होता है ना, वैसा फीलिंग आएगी। थर्ड, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड ब्लू लिटमस को किस कलर बनाता है, रेड कलर में, और बेस रेड लिटमस को ब्लू कलर में, अपोजिट। एसिड टर्न्स चाइना रोज इंडिकेटर टू मैगेंटा। जो एसिड है वो चाइना रोज, यानी जो गुड़हल की पत्ती होती है जिसका आपने बनाया था इंडिकेटर, ये कैसा इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर,
पिंक कलर का होता है तो मैगेंटा कलर रहता है। मैगेंटा कलर क्या होता है, डार्क पिंक। अगर आप बेस में इसी को मिक्स करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, बेसिस टर्न चाइना रोज इंडिकेटर इन, गिव मी अ सेकेंड, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ग्रीन कलर, इन ग्रीन कलर। नेक्स्ट देखिए, एसिड्स हैव नो इफेक्ट ऑन द कलर ऑफ टर्मेरिक पेपर। हाँ, हल्दी वाले पेपर पे एसिड का कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब वो बेस के कांटेक्ट में आते हैं तो वो रेड ब्राउन कलर का हो जाता है। जनरली आप पे रेड दिया है लेकिन वो कलर रेड और ब्राउन दोनों में हो जाता है। इसीलिए अगर किसी के वाइट कपड़े पे सब्जी गिर जाती है या कढ़ी वगैरह गिर जाता है जिसमें कि हल्दी ज़्यादा होता है, और उसको हम जब साबुन से या सर्फ से धुलते हैं तो वो किस कलर का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि साबुन और सर्फ ये सब क्या हैं, बेस होते हैं। नेक्स्ट, एसिड टर्न्स मिथाइल ऑरेंज टू रेड। एसिड मिथाइल ऑरेंज जो क्या बनाता है, रेड, जबकि बेस क्या बनाता है उसको, येलो। एसिड टर्न्स पर्पल कलर ऑफ रेड कैबेज टू रेड। हाँ, एसिड क्या करेगा, पर्पल कलर के रेड कैबेज को क्या बनाता है, रेड, जबकि बेस क्या करता है, बेसिस टर्न पर्पल कलर ऑफ रेड कैबेज टू ग्रीन, ये किसमें बना देगा, ग्रीन कलर में। वैसे ही एसिड डू नॉट चेंज द कलर ऑफ फिनोल्फथलीन, क्योंकि फिनोल्फथलीन में कोई कलर नहीं होता है तो एसिड कोई और नया कलर देगा भी नहीं, बिल्कुल वैसे न्यूट्रल, कोई कलर नहीं, कलरलेस। जबकि बेस क्या देता है आपको, पिंक कलर देता है, किसमें, फिनोल्फथलीन में। चलिए अब हम बात करेंगे नाउ वी नो का, अब तक आप क्या जान चुके हैं, अब आप उसकी डिस्कशन करें। ओके, सो ये वाले पॉइंट सारे आपके नोट में होने चाहिए। देखिए, सो नाउ वी नो में आप लिखेंगे पहला पॉइंट, अ सब्सटेंस दैट चेंजेस इट्स कलर व्हेन एडेड टू एन एसिड और बेस इज कॉल्ड एन एसिड बेस इंडिकेटर और सिंपली एज एन इंडिकेटर। कोई भी सब्सटेंस जो कि एसिड और बेस के कॉन्टैक्ट में आने से अपना कलर बदल देता है, जिस समय मालूम चलता है कि जो केमिकल हमने लिया है वो एसिड है या बेस, उसको हम क्या कहते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं या सिंपली इंडिकेटर भी कहते हैं। दूसरा, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड क्या करता है, ब्लू कलर के लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। लाइट पिंक चाइना रोज इंडिकेटर टू मैगेंटा। लाइट पिंक कलर के चाइना रोज को किस में कन्वर्ट करता है, वो डार्क पिंक में। रेड कैबेज जूस फ्रॉम पर्पल टू रेड। रेड कैबेज जूस को पर्पल से रेड बनाता है। मिथाइल ऑरेंज को भी रेड बनाता है, कौन से कलर से, ऑरेंज कलर से। एसिड्स हैव नो इफेक्ट ऑन द कलर ऑफ फिनोल्फथलीन टर्मेरिक एंड लेड लिटमस। अगर आप रेड कलर के लिटमस पे या फिर टर्मेरिक पे, फिनोल्फथलीन पे जब आप चेक करते हैं तो आपको कोई भी चेंज एसिड से नहीं मिलता है। नेक्स्ट, बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं, रेड कलर के लिटमस को ब्लू बनाते हैं। अगर वो पहले से ब्लू है तो कोई चेंज नहीं आएगा। कलरलेस फिनोल्फथलीन टू पिंक। जो फिनोल्फथलीन में कुछ कलर नहीं होता उसको कौन सा कलर में कन्वर्ट करते हैं, पिंक कलर में। येलो टर्मरिक सॉल्यूशन टू रेड, रेड ब्राउन या रेड। रेड कैबेज जूस फ्रॉम पर्पल टू ग्रीन। चाइना रोज इंडिकेटर फ्रॉम पिंक टू ग्रीन एंड मिथाइल ऑरेंज टू येलो। ये हो गया आपका फिनिश। अब आपका जो होमवर्क है, आप अपना होमवर्क करेंगे, फिर ये ओरल क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।